तो अगर आपका YouTube चैनल मोनिटाइज हुआ है और आप एडसेंस में गए हैं और वहाँ पे आपको होता है बैंक अकाउंट ऐड करें, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि बैंक अकाउंट तो बहुत सारे किस्म के होते हैं, तो YouTube के लिए किस किस्म का बैंक अकाउंट होता है, क्या YouTube के लिए कोई अलग सा बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम पेमेंट ले सकें। तो आज की इस वीडियो में अगर आपका ये क्वेश्चन है तो 100% सॉल्व होने वाला है और मैं आपको बताऊँगा यूट्यूब के लिए क्या अलग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है जिसमें हम यूट्यूब की पेमेंट ले सकें, या हम जिस तरह से नॉर्मल लाइफ में सैलरी अकाउंट यूज़ करते हैं क्या उस अकाउंट में YouTube की पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगा, YouTube के लिए कोई अलग अकाउंट ओपन नहीं करवाना होता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या करंट अकाउंट यूज़ करें, सेविंग अकाउंट यूज़ करें। तो अगर आपके अब्बू का या आपके भाई का एक अकाउंट है जिसमें वो पाकिस्तान में सैलरी ले रहा है या किसी और पर्पज़ के लिए उसने बैंक अकाउंट यूज़ किया है और वो बैंक अकाउंट एक्टिव है, तो आप उस बैंक अकाउंट को बेशक यूज़ कर सकते हैं, आपकी यूट्यूब की पेमेंट आ जाएगी। कंडीशन ये है कि उस बैंक अकाउंट में इंटरनेशनल पेमेंट होना चाहिए, इंटरनेशनल पेमेंट वो बैंक रिसीव करती हो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी भी बैंक होती है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव नहीं करती। एडसेंस आपको पेमेंट सेंड करता है, वो पेमेंट आपकी रिसीव नहीं करती तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस बैंक पर रिसर्च करेंगे,